भाई है ना, अब मोटी नहीं है ये, इसको आउट कर दे भगवान। मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ। देखो भाई बहन की लड़ाई हो रही है वैसे। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? और अभी हम जिम जा रहे हैं, जिम का वर्कआउट करेंगे। आज वैसे कोर है तो आज उस ग्राउंड की छुट्टी है, तो हम जिम जाके जिम में कोर वर्कआउट करेंगे। और आज मेरा भाई है ना, आज इसका मैच था, उसकी छुट्टी थी स्कूल की भी, तो आज इसका मैच था तो इसकी बॉलिंग और बैटिंग आई नहीं क्योंकि ऑल आउट हो गई सामने वाली टीम। तब तक इसकी बॉलिंग आई तब तक, तो अभी वर्कआउट के लिए मेरे साथ चल रहा है। कितने समय बाद तू जिम जा रहा है? एक साल हो गया तेरे को जिम गए? ठीक है, मामे के बेटे की शादी है तो मम्मी है ना अपने कपड़े, ये देखो कपड़े लेके आई है, मैं बताता। देखो ये मम्मी अपने लिए कपड़े लेके आई है, अपने लिए, अपनी बहनों के लिए ये, और ये दूसरी वाली मासी के लिए, ये एक तो जो अभी चोटी बना रही है ना उसके लिए, और ये मम्मी मामे की वो उनकी लड़की है ना, उनकी भी शादी है तो ये उनके लिए एक और थैली लेके आई मम्मी। देखो इसमें भी है, इसमें सबसे बड़ी महंगी ड्रेस है इसमें। ये मेरी नानी लेके आई है अपनी भाई की बेटी के लिए, भतीजी के लिए ये। ओ भाई निकल गई, ये तो भाई पतझड़ आ गया। देखो क्या पत्ते झड़े है, देखो ये बेचारा, ये पेड़ तो पूरा टकला हो गया, और इसको देखो एकदम पूरा ग्रीन। तो देखो इतना आगे चला गया मुझसे, इतना। हमारे जोधपुर में वो डॉग बाइट का मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब देखो गर्मी बढ़ गई इसलिए मेरे को तो बहुत डर लगता है कुत्तों से वैसे भी। हमको भी अपनी गाड़ी में आके बैठ गया, मामू अपने बाल सेट कर रहे, तब तक ये आके बैठ भी गया। ए क्या क्या चाहिए, क्या कहना चाहता आज तू? मैच खेलने गया और खेला ही नहीं, मतलब खेला बट तेरी बैटिंग बॉलिंग नहीं आई। फील्डिंग थी ना? हाँ फील्डिंग आई, फील्डिंग से मतलब क्या होता है, ऐसे बॉलिंग होती है ना मेन, तो तेरी तो उसी का तो था मैंने। अच्छा इसकी देखो आज पूरा नाक वाक सब लाल हो गए। मामू आ रहे दिखाते हैं, बोरे मामू आ रहे भाई एकदम। देखो ओहो आज जोधपुर का एकदम मौसम खराब हो गया है भाई, इसकी आने की संभावना है। देखो एकदम जोधपुर बहुत गर्मी है आज, थोड़ी ठंड है। माना जोधपुर का उमेर पैलेस, वो ये बहुत फेमस है वैसे। क्या इस पैलेस के अंदर जितने भी इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अंबानी फैमिली, सचिन तेंदुलकर, उनका ज़्यादातर बर्थडे और प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी इसी में हुई थी। यहाँ पर जो महाराणा थे उनके दिलवाड़े में, यानी वो तो किले में होगी ना, इधर भी है। हम सोच रहे हैं जाएंगे किले में एक दिन, किले का ब्लॉग। मैंने कभी वैसे गई नहीं, मैं भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया, कितना बड़ा हो गया हूँ मैं। मेरे को है ना, मैंने पुराने का देखा है दूर से। हाँ मेरे को पुराने समय की वो बातें जानने में बहुत ज्यादा रुचि है। अगर मामा ने ठान लिया आ जाना है तो अभी चलो, अभी अभी तो कोर का वर्कआउट करना है हमको। हमारा जोधपुर का कौन सा सर्किल है ये मामू बताओ? रातनाडा सर्किल है। वैसे मेरे को भी पता था ये तो। नो इसको क्या, ये देखो ये पांच रातनाडा सर्किल को, रातनाडा हमारा जिम है ना, पहले इधर हुआ करता था, इधर यहाँ सामने जो दुकानें दिख रही है ना वहाँ पे, ये वाली बिल्डिंग है ना बड़ी वाली, ये वाली यहाँ हुआ करता था। देखो हमारा जिम आ गया, वो रहा थोड़ी दूरी में, कुछ ही कुछ ही क्षण में नहीं, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे दूरी हाँ कुछ ही दूरी में। वैसे यहाँ मामू यहाँ पार्क करेंगे गाड़ी। अरे अंकल देखो एकदम बैठ गए, आ गए, हट ही नहीं रहे, हटो हटो उनको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, हटो हटो अपना अपना बैग रख लिया और अपनी वार्म अप करना है। क्यों
पता नहीं क्यों मैं उनको देखते ही ऐसे हंसी सी हो जाती है मेरी, पता नहीं क्यों मेरा ऐसे दीदी ऐसे मेरे सामने क्या है यार। एक तो तू यहाँ पे है और दूसरी किधर है बताऊँ? उधर दूसरी उधर है। अरे मामू कब से जैब में हाथ डाल के घूम रहे इधर से उधर, देखो 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 भाई देखो। आज तो जिम में है इसलिए बता रहे हैं। भाई यार कोई सूखी लकड़ी नहीं है ठीक है, मसल दिख रही है मेरे पास, वो वाली बॉडी नहीं बनानी, वो वाली स्ट्रेंथ बनानी है, तो इसीलिए ये बहुत काफी है ये हमारे जिम के ट्रेनर है। नहीं नाम क्या इनका? मनीष जी सर। ये इस मालिक है। देखो आप जिम को देखो कितनी बड़ी जिम है, बहुत तगड़ी जिम है ना। ये देखो नीरज चोपड़ा भाई है ना, अब बॉडी नहीं है ये मेरी बॉडी देखो ना, इसके देखो सूखी क्या सूखी लग रही है। कितने हैं? 8 पिज्जा क्या? 8 ये आलू है, आलू 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 ये इनको देखो, इनको इधर मैंने आलू डाला है, इधर 8 आलू डाले हैं। अच्छा दो आलू चाहिए तेरे को? नहीं चाहिए मेरे को, मैं खुद ही बना लूंगा वैसे, ठीक है ना, तेरी कोई जरूरत नहीं है। खुश रहो। हाँ देखो भाई आज मैं ना पानी लेके आया, कौन सा इमली वाला। कैसा रहा आज? अच्छा दिन जिम का सेशन कैसा रहा? बहुत हंसी आई मेरे को पहले वार्म अप करते टाइम, क्योंकि है ना वो एक दीदी थी तो वो हमको कब से ऐसे देख रही थी, तो हंसी आ रही थी, और भी किए 4 सेट और अभी जा रहे घर हम। गटक 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 पीछे मैंने भी रखना है, बहुत कट्टा है। अब ये शुरू हो गया देखो, मेरे भी रखना, फिर मैंने पिया ही नहीं। देखो मेरे भाई का एक फेवरेट एक्शन बताती हूँ ठीक है, वो जब भी ऐसे घर में बैठ रहा था ना यूँ करता है टी शर्ट का, फिर यूँ करता है ठीक है, फिर खुजली करता है, फिर यूँ करता है, यूँ करता है, तो मेरे ना ऐसे नाखून को सुनता है, इसको सुनता है, इसको फिर वापस क्यों झूठ बता के देख, फिर बाद में ऐसे फिर से कुछ नहीं करेगा, फिर ऐसे बैठ जाएगा। अच्छा भाई हंसी आती है, मैं इसको बहुत बार नोटिस कर चुकी हूँ और मैं ऐसे पूछती हूँ कि क्या कर रहा है, तो कहता है नहीं ये तो मेरा फेवरेट पोज है, सबका होता है ना, तेरा वो था पहले तो मैंने हटा दिया ना उसको। भाई बता विराट कोहली आज कितने रन बनाए? विराट कोहली सर आज आईपीएल में, अरे यार ऐसे मामू कह रहे कि बोलते नहीं है क्योंकि है ना आउट हो जाए तो, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं चुपचाप बैठूंगा। टीम कितने रन बनाएगी पूरी टीम? भी मैं 190 आ गया, 190 क्या 200 प्लस बनाएगी मेरे को। रसल वो रसल आ गया ना तो सबको उड़ा देगा। अरे यार मेरे को नहीं यार, मैं चाह रही हूँ कि है ना वो रसल अकेले ही जीता, रसल को आउट कर दे भगवान, मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ आरसीबी जीत जाए। कितने सारे मैच देख रहे हैं भगवान, तेरी प्रार्थना सुनेंगे क्या? ऐसे नहीं भगवान, सच्चे भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। तू सच्ची भक्त है? हाँ, मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ती है, पूजा करती है। हाँ, मैं हमेशा भगवान के लिए आरती उतारती है, मैं हमेशा ग्राउंड से भगवान के लिए फूल लाती हूँ अपनी। फूल लाने से क्या होता है? तो मतलब वो फूल लाना एक भी अपनी श्रद्धा होती है भगवान के। और है ना वो पिछला मैच था ना एसआरएच और एमआई का, भाई साहब मैंने तो बैटिंग में ना मजे आ गए मेरे को देखते देखते, मैंने पूरी एसआरएच की वो हाईलाइट जैसे चल रहा था भाई, हाईलाइट में वो मारने वाले बताते हैं उसमें मार रहे थे ऐसे चौके वाले चौके छक्के मस्त मारता, ऐसे लू लगती है ना लू लू वो गर्मियों की लू, तब है ना इसको पीते हैं इमली का जूस, मेरे को थू 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 लू नहीं लगी है भगवान की कृपा से, बट ऐसे अच्छा होता है तो मैं पी लूँगी। तूने सुना मान लो किसी खिलाड़ी ने 5 बॉल में 80 रन बनाए, क्या ये सही है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, संभव है ना, मानूंगी नहीं बिल्कुल भी। हमारे हिंदुओं के ना आधे फेस्टिवल ऐसे बारिश में आते, क्यों पता आपको? उसके पीछे भी एक साइंस है, वो मैंने पता लगा ली है, अगर आपको पता है तो आप मुझे पहले बता दो, मैं ही बता ही देता हूँ। चलो इधर बैठ के बताते हैं अच्छे से, पीछे पीछे बताते हैं। तो देखो क्या होता है कि बारिश मौसम चेंज होता है तो हमारे शरीर को कुछ अलग चाहिए होता है, तो लोग क्या करते हैं मीठा खाते हैं, इसी वजह से मतलब मेरे को अच्छे से याद नहीं है बट ये ऐसा ही होता है कि मीठे से लोग कम बीमार पड़ते हैं, उनको बॉडी में कुछ अलग चाहिए होता है,
और मेरे भाई को अंदर वॉशरूम आ रही है कि बाद में बोल देना, और ऐसे कर रुक जा यार, ऐसे मेरे को दे, मिनट दे, ये मेरे को कह रहा है कि रुक जा रुक जा यार, तू बाद में बोल लेना मेरे को वॉशरूम आ रही है जाना यार। कुछ नहीं, क्या भागेगा तब मैं बताऊंगी। ऐसे ये जूते खोल रहा है, आप देख जल्दी जल्दी देखो देखो, मुझसे भी पहले खोल रहा है, देखो देखो क्या है? मैं इससे कैमरा नहीं हटाऊंगी, ये देखो ये सीधा वॉशरूम में जाएगा, ये देखना इसको देखना, मेरा भाई गया 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 वो गया, देखा आएगा तब बताऊंगी, ये देखो आ गया, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा था। ये देखो मामू सो रहे हैं और ये मैच लगा रहा, अभी जस्ट आया, जूते फेंके कहीं अपने मोजे फेंके और सीधा वॉशरूम में घुस गया बेचारा। क्या कहना चाहते हो मम्मी? ठीक है बेटा, मेरी मम्मी के लिए ना अलग से भाई, ऐसे 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 अपनी मम्मी की बेइज्जती करता है, तेरे को शर्म नहीं आती है ना अपने कपड़े सिलाने के लिए दर्जी के पास जाना, रात के 12 बजे तक जाना पड़ेगा, 12 बजे खुला रहेगा, अभी इसको फोन करके बोल दिया मैंने, बोल दी क्या कहा, मैं 12 बजे आऊंगी, आ जा, देखो फोन कर दिया मम्मी ने, ओ भाई देखो हां नहीं चल रहा, ओके सर लोकी भाई तो मैं लोकी नहीं उड़ा लोकी, मेरा भाई तो कैंसिल कर दिया, हां मां मेरे भाई ने कैंसिल कर दिया, मेरा भाई ने कैंसिल कर दिया, उसको बोलूंगा सो जा भाई तू, अब सो जा, हां तो मतलब कपड़े सिलाने जरूरी हो गए, जाना तो पड़ेगा मम्मी को कपड़े, मैं इसकी बात नहीं मानूंगी, मैं हर बात इसकी मानती हूँ, आज मेरी बात नहीं मानेगा तो कल मैं इसकी बात नहीं मानूंगी, पक्का है, पक्का नहीं माने तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। देखो भाई बहन की लड़ाई हो रही है, वैसे वैसे हमारे जैसी लड़ाई नहीं होती उन दोनों की, तो कभी नहीं लड़ते हैं आपको, अब तो आप कह रहे थे कि हमको हिंदी आती नहीं और अब क्या छाड़ रहे हैं आप, आज छाड़ रहे भाई, मामू का बेड की हालत देखो देखो भाई, देखो हंसे आप, देखो ये तो नहीं, मैं दिन में 4 बार बेड को संवारती हूँ, ये तो पड़ता ही, देखो भाई पीछे दो दो पिल्लो पड़े हैं पिल्लू, और ये है ना कंबल का सिराना चाहिए इनको, पता नहीं देखो अब ऐसे देख रहे, अब देखो लैपटॉप का बैग, लैपटॉप चाबी नोटबुक फोन के चार्जिंग पिने अपने पास, और देखो ये सामने वाईफाई एकदम सीधा ताकि नेट आराम से चल सके भाई, ना ना अभी तो बातों में लग गई, बैग ही नहीं खोला अभी तक, अभी बैग रख रहा हूँ, ऐसे बैग रख दिया, ये मामू को चाहिए, क्या हो गया इसमें सुनेंगे आप, अच्छा